गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज यार हेयर स्टाइल कुछ चेंज लग रहा है, कोई भी देखेगा। तो फिलहाल हम मेट्रो से उतर गए और वीडियो कुछ और भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि एक कॉल आ गई थी दोस्त का और उस दोस्त से लंबा लगभग एक घंटे बात हुई कॉल पे, तो इस वजह से कॉलिंग नहीं कर पाया और कॉलिंग पे रह गए तो वीडियो शूट नहीं हो पाया। और अभी मैं ऑफिस से आ गया हूँ पास में, तो नॉर्मली पास अभी इतना भी पास आ चुका लगभग, हाँ पास में ही हूँ, तो चीज़ें है कि ठीक है पास में है। और अभी पास ऐसा पास में हूँ कि मतलब रोड को क्रॉस करूँगा और क्रॉस करके फिर उधर जाना पड़ेगा, तो मेरी वीडियो आ गई होगी 8 बजे। यार ये तो कल आएगा 8 बजे, तो आप वीडियो देखो और पूरी। और वो जो पिछले जो वीडियो लाया था ना, वो वीडियो ये था कि हम गए थे घूमने के लिए, वो शूट किया था तो वो मेरे पास था तो ला दिया था। और अभी कुछ ऐसा वीडियो नहीं आने वाला कि जिससे कि ये नहीं, अभी फ़िलहाल ये पूरी ब्लॉग होगी और ये ब्लॉग मोस्ट आई थिंक शाम को भी रिकॉर्ड हो सकती है क्योंकि अभी वीडियो जितना होना चाहिए उतना है नहीं। और अभी हम देखते हैं अभी कुछ क्या होता है, खाना खाते हैं, कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है यार, देखते हैं। यहाँ पे छोले भटूरे खाएंगे, नहीं तो वहाँ पे चलते फिर उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। तो अभी हम रोड क्रॉस करने वाले हैं तो वो वीडियो पे ऐसे ही प्यार बनाए रखो और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, अच्छा लगता है आप जब सब्सक्राइब करते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, रोहित मिश्रा एंटरटेनमेंट, चीज़ें इंटरटेनमेंट में ना एक चीज़ें इंटरटेनमेंट क्यों आया हूँ, सद्भावना सेठी एंटरटेनमेंट करके एक है यूट्यूब पे, तो उनका मैंने देखा इंटरटेनमेंट लगा तो मैंने इंटरटेनमेंट अपने में जोड़ लिया। तो अभी ऑटो आ रहे, गाड़ी कम होती तो फिर मैं आता हूँ। तो बस इंटरटेनमेंट का चीज़ें है क्यों लाया हूँ, तो कोई नहीं आप बने रहो वीडियो में। यार गाड़ी कम नहीं हो रही है और मुझे रोड क्रॉस करना है तो मुझे अब इसी में करना होगा, देखते हैं यार, देखते हुए करेंगे। और हमने रोड क्रॉस कर लिया फाइनली, एक रोड और क्रॉस करना है तो इस गाड़ी के ही सहारे कर लेता हूँ। और अभी हम चलेंगे छोले और भटूरे खाने, तो बने रहो वीडियो में, खाते हैं बैक कैमरे से खाते हैं। टाइम लगेंगे, हाँ अगर आप 83 साइड में आते हो तो इनके यहाँ के जरूर खा सकते हो छोले भटूरे। तो हमने अभी छोले भटूरे खाए और अभी ऑफिस जा रहे हैं, बस ऑफिस के पास में है, यहाँ से एक यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके ऑफिस पहुँचेंगे। तो देखते रहो वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो बाकी आज हम अपना ऑफिस दिखाएंगे आपको, बाहर से अंदर नहीं ले जाएंगे कैमरा क्योंकि आप कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन होता है ना कि आप कंपनी के अंदर का कुछ नहीं दिखा सकते, ये चीज़ें तो वो चीज़ें नहीं करूँगा क्योंकि उससे मुझे प्रॉब्लम है, तो वो नहीं करूँगा। बाहर से लेकर दिखाऊंगा, बैक कैमरा से दिखा। तो ऑफिस ये हो गए और जो ट्रैक्टर दिख रहा है ना, ट्रैक्टर के पास में ही है और चलो दिखाते आज। Mm-hmm.
बने रहो वीडियो पे। वो जो वाइट वाली गाड़ी दिख रही है ना, तो है जो वाइट वाली वो गाड़ी दिख रही है उसी के बराबर में है कंपनी ऑफिस। तो चीज देखो और वीडियो पूरी एंड में है, अभी एंड करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली कंपनी ऐसी है कि जो कि स्पोर्ट लाइन की कंपनी है और मेरी स्पोर्ट नहीं है। तो ये कंपनी, ये है हमारी ऑफिस, जो ये वाइट वाली गाड़ी दिख रही है और ये टी दिख रहा है। बाहर से दिखा के हम सेव कर लेंगे। उधर से दुर्गेश आ रहा है, दुर्गेश ही है, हाँ दुर्गेश ही लग रहा है, बंदा लेट हो गया आज। तो हम आ चुके हैं ऑफिस में, ये है ऑफिस हमारा। तो वीडियो यहीं पे हम क्लिक सेव करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इस वीडियो में अपना ऑफिस का दिखाया लोकेशन, और अभी हम मेट्रो आ चुके हैं और ऑफिस से निकल चुके हैं। तो अभी हम घर जाने गए और देखते हैं कि मेट्रो मुझे कब का मिलता है, क्योंकि मेट्रो तो वही 8 बजे की मेट्रो मिलेगी, 8 से पहले की मेट्रो नहीं मिलेगी। तो अभी हम एंट्री करता हूँ और एंट्री करके और मेट्रो में बैठ के उतर के फिर आपसे बात करता हूँ। अभी मैंने एंट्री ले ली मेट्रो में, सॉरी अंदर है, और अभी हम चल रहे हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितना भीड़ होगा। मतलब लोग ज़्यादा ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मेट्रो अभी निकली होगी तो लोग कम होंगे, नहीं निकली होगी तो मेट्रो निकली नहीं है तो लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा है लोग हैं। दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, हम बैक कैमरे पे हैं और अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं है, दिन के 5-6 लोग होंगे, मुझे लगा कि ज़्यादा लोग हैं तो नहीं, कम लोग हैं, क्योंकि आई थिंक मेट्रो अभी गई है 8 बजे वाली, 23 बजे से कम है, और मेट्रो आ रही है। तो आप मेट्रो देखो, यहाँ पे मेट्रो कैसे आ रही है देखो, ये जो लाइट देख रहे हो मेट्रो की, मेट्रो है, और आएगी हमारी मेट्रो, आ गई। तो लोग भी आ गए एक दो, और सही टाइम पे आऊँ, मुझे लग कि मुझे मेट्रो नहीं मिलेंगे 8:30 का, और मुझे 20 का मेट्रो मिल गया। मैं हाँ 8:30 का नहीं, 20 का। तो मैं एंट्री ले लेता हूँ और फिर उतर के बात करता हूँ। फाइनली अभी हम मेट्रो से निकल के और अभी हम घर जा रहे हैं, तो बाहर जाके ऑटो लेंगे क्रॉसिंग के लिए। क्रॉसिंग के लिए नहीं मिलेगा, मुझे 4 मूर्ति के लिए मिलेगा। तो अब सुबह में आते हैं तो आप देखते हो कि सुबह वाले भी मॉर्निंग डे को 4 मूर्ति के लिए बोलते रहते, पर शाम को ये है कि शाम को मुझे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली जाम लगते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जल्दी मिलते नहीं, तो वो चीज़ें हाँ। क्रॉसिंग से मेट्रो आने में 30 रुपये लगते हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे वही डबल हो जाता है, मतलब डबल मीन्स 40 हो जाता है, 10 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बट मैं तो 30 में ही जाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आप 4 मूर्ति पहुँचते हो उसके बाद ई रिक्शा लेते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो 20 रुपये लूँगा। तो
और यहाँ पे मैं एंट्रेंस से निकलते ही यहाँ पे आपको 62 किलो ऑटो मिल जाएंगे, बट चार मूर्ति के लिए आपको आगे जाना पड़ता है। तो आपको दिखाता हूँ, तो चार मूर्ति के लिए कहाँ मिलता है, और बैक कैमरे से आपको दिखाता है कि यहाँ पे ना 51 पे आओगे बाहर आते एक चाचा का कचौड़ी वाले हैं, उनकी कचौड़ी अच्छी है, 20 रुपये की, तो अच्छे रेट है, तो दिखाता है कि नहीं। यहीं पे लगाते हैं, बट आज वो चाचा है नहीं, तो हमें लग रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों के सीजन की वजह से नहीं है, और शायद कहीं पास उसमें ही शादी भी हो रही है, तो बाजा बज रही है, बारात जा रही है। तो शायद इस साइड में कहीं शादी भी हो रही है, तो बजा बज रहा है, और शादी अटेंड किए हुए काफ़ी सारा टाइम हो गया, तो वो भी है कि कहाँ जब से शहर में रहने लगे, यहाँ जॉब करने लगे, तो गाँव की अब शादी कहाँ अटेंड कर पाते। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी कहाँ वो चीज़ें तो नहीं हो पाती, तो कोई ना, कभी किस्मत में रहा तो ज़रूर करेंगे, बाकी तो ठीक है। और अभी यहाँ से मैं ऑटो लूँगा और ऑटो लेके घर जाऊँगा, तो मुझे लेना होगा चार मूर्ति के लिए, क्रॉसिंग के लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा, चार मूर्ति के लिए ही मिलेगा, तो वही है। तो आज ना किसी का कॉल आया था, बात हुई, तो इस वजह से मूड खराब हो गए यार। खैर कोई ना यार, मूड अपसेट हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में होता था, मैं हंस के निकल लेता हूँ, और ये सोचा यार ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई ना यार, जो होगा देखते हैं क्या क्या नहीं, ठीक है। तो आप भी, हम यहाँ से चार मूर्ति का ऑटो लेंगे, तो फिर चार मूर्ति का ऑटो लेके फिर उतर के बात करते हैं, तो बने रहोगे भैया। जैसा कि आप देख रहे हो, शाम के समय बहुत ही भयंकर जाम लगते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्शन का काम चलता है, तो इस वजह से यहाँ पे जाम लगता है, और वो भी बहुत भयंकर जाम लगता है। तो यही है दिल्ली में जाम लगने के कारण, आप देख सकते हो कि वहाँ पूरा जाम लगा है, वही काम तो रहेंगे जब तक क्लियर नहीं होंगे। अभी हम चार मूर्ति पे खड़े हैं और अभी हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, और बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक रहते हैं, जाम रहते हैं, और साथ में ठीक है, और यहाँ से आके मुझे पंगा ये होता है कि कहता है कि मैं 20 रुपये लूँगा, जो कि 10 रुपये सॉरी है, कहते 20 रुपये, तो ये चीज़ें यहाँ पे पंगा है, तो दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। ये रहा सामने चार मूर्ति, और आप देख सकते हो ये रहा गौर सिटी मॉल। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि गौर सिटी मॉल का मैंने दिखाया है, तो आप देख सकते हो, कभी मैं गौर सिटी मॉल के अंदर का भी बनाऊंगा,
और ये यहाँ पे नॉर्मली सारे जगह का मिल जाता है। यहाँ पे गौर सिटी लिखा हुआ है, तो नॉर्मली ऐसा व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाम लगे हुए कई सारे थे, तो उस चक्कर में ये देख रहे अंधेरा है तो दिख नहीं रहा। शादी का कोई तो अभी बरात सा है, तो ये चीज़ों को बता यहाँ पे दिक्कत ये है कि उस कोने पे जाम भी लगते थोड़े बहुत, तो मैं अपना पैसा निकाल लो उनको टाइम के लिए। तो मुझे उतरना है यहाँ पे, साइड में रख लेना भैया। हाँ, तो अभी हम उतर चुके हैं ई रिक्शा से, या यहाँ पे यही पंगा है कि जब भी उतरो तो कहते हैं कि 20 रुपया दो, 20 रुपया दो। भाई 20 रुपया किस बात के दे, 10 रुपये लगते हैं। तो और यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब मुझे आई है कस के टू टू। समझ में नहीं आ रहा कि शादी थी कहाँ पे, और यहाँ पे इंडियन का कलर लगा हुआ है, केसरी वाइट और ग्रीन, तो बिल्कुल यहाँ पे तिरंगे की लगे हुए हैं। तो और अब आइसक्रीम भी मिलने लगे यार, क्या बात है। कल मैंने आइसक्रीम खाई थी शायद, क्या पता नहीं। और यहाँ पे एसोटेक की सोसाइटी है, देख सकते हो इवनिंग में, मतलब यहाँ पे जितनी भी सोसाइटी है उन सब की लोगो जलते हैं तो अच्छे लगते हैं यार। पर कोई ना, अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, और आई होप कि सब सही है और चलते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो फिलहाल चलते हैं। गोल्ड कोस्ट का एड चल रहा है यहाँ पे। चलिए, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं। अगर पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पे आए हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही साथ को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन में दबा देना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, वेट वॉचिंग एंड गुड नाइट और टेक केयर। मिलते हैं, बाय।